हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दिवाली भी जा चुकी है, सारे जो फेस्टिवल है वो जा चुके हैं, और मैं थी थोड़ा सा बिजी, तो इस बार जो वीडियोस हैं वो मैं नहीं बना पाई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो क्लीनिंग वीडियोस है वो शेयर करो, बट रियली सॉरी, बहुत बिजी थी तो नहीं कर पाई हूँ। और आज है परी का बर्थडे, मतलब आज नहीं है, जब वीडियो शूट कर रही थी यानी 10 अक्टूबर को था परी का बर्थडे, साथ में मेरा भी बर्थडे था, तो मैं गई थी परी के लिए शॉपिंग करने। तो मैं अकेली ही चली गई थी क्योंकि उसको सरप्राइज़ देना था, विनोद घर पर है उसके साथ, और मुझे इस तरफ आना था मार्केट में। तो मैंने उसके लिए जो भी उसको पसंद है वो सारी चीज़ें ले ली हैं एक बास्केट में। उसको चॉकलेट्स ही पसंद है और कुछ पसंद नहीं है, चॉकलेट्स और टॉफ़ी जो होती वो पसंद है। तो मैंने उसके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चॉकलेट्स है वो इकट्ठी कर ली है, और एक दो चीज़ें जो और उसने मांगी थी वो चीज़ें भी मैंने ले ली है। जैसे कि बबल वाला है वो इसको बहुत पसंद है, या फिर न्यूट्रेला है वो उसको पसंद है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं, और कुछ एक हेल्दी चीज़ें भी हैं जो उसको पसंद है, यानी फ्लेवर वाले जो मिल्क और लस्सी होती है वो भी मैंने उसके लिए लिया है। एक उसने डिमांड की थी, उसको कलर करने का काफ़ी शौक़ है, ड्राइंग करने का, तो ड्राइंग के लिए मैंने उसके लिए ड्राइंग बुक ली है, और साथ में कलर्स लिए हैं। एक दो टॉय भी मैं देख रही हूँ उसके लिए क्या लूँ, क्योंकि उसको बारबी ही पसंद है, खेलती तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत ही दिन खेलेगी और फिर वो रखी रहती है, बट उसको बारबी पसंद है, तो मैं एक बारबी भी सर्च कर रही हूँ। तो पहले मैं गई थी रिलायंस में, वहाँ से खाने पीने की सब चीज़ें ली, और उसके बाद विशाल आ गई हूँ। विशाल में ये जो स्टेशनरी का सेक्शन है ये सही है यहाँ पर, तो मिल जाता है आपको जो चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए एक तो बुक्स ले ली है, और कलर देख रही हूँ, ड्राइंग बुक है वो ले ली है, और एक टॉय मैंने पलवित के लिए भी लिया है। तो कुछ इस तरह से जो है 4-5 चीज़ें उसके लिए यहाँ से भी मैंने ले ली है जो कि यूज़फुल है। तो ये हो गई है परी के बर्थडे की शॉपिंग, और चलिए उसके बाद चलते हैं सीधा घर पर। परी के लिए मैं पास्ता भी लेके आई हूँ, वाइट सॉस पास्ता उसको पसंद था। वैसे मैं मटर पनीर बना के गई थी, रोटी बना के गई थी, बट उसने पास्ता की डिमांड की थी, डिमांड नहीं की थी एक्चुअली, उसको पसंद है तो मैं उसके लिए ले आई थी पास्ता। तो उसने बोला था मम्मा कुछ लेके आना, तो मैं सोचा चलो आज पास्ता। वैसे मैं कभी हमने हार्डली ही शायद बाहर का पास्ता ट्राई किया होगा, बट परी ने उसको पसंद है तो मैं उसके लिए ले आई, और उसको पैसे मिले हैं तो अपना वो दिखा रही है। उसके बाद हम रेडी हो करके चले गए थे केक लेने के लिए, तो मैडम अपनी चॉइस से ही केक लेगी। तो हम गए थे गढ़वाल बेकरी, यहाँ पे सेक्टर 11 में ये ही है, मतलब एक जो फेमस है, तो हम यहीं पे चले गए थे, और काफ़ी अच्छा केक होता है इनका। तो हम लोग वही डिसाइड करें, हमने मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि इस बार की हम कुछ मतलब एक थीम वाला केक चाहिए था, हमें वही था कि जो मिलेगा वो ले आएंगे जो परी को पसंद होगा। और परी को चाहिए होता है जिस केक के ऊपर ज़्यादा चेरी होगी ना, उसको वही वाला चाहिए होता है, तो हम लोगों ने वो ले लिया है। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो दो डिफरेंट केक लेंगे, एक परी के लिए एक मेरे लिए, अदरवाइज़ तो वही करते हैं कि हम एक बड़ा वाला केक होता है उसी पे मेरा और परी का डिसाइड हो जाता है, दोनों का नाम लिख लेते हैं। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी बच्चे यहाँ से अपना ले रहे हैं, तो ये परी ने अपना पसंद किया था, ब्लैक फॉरेस्ट वाला है वो है ये केक, और इस पर लिखवा देंगे हम वेदिका, हैप्पी बर्थडे वेदिका। तो ये हो गया है उसका, तब तक जो है बाकी जो शॉप है उसको बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मुझे इनके जो मल्टीग्रेन बिस्किट है ना, और ओट्स हनी कुकीज़ है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये है मेरा केक, मुझे चॉकलेट केक चाहिए था तो मैंने लिया है चॉकलेट वाला केक। तो मतलब चॉकलेट केक मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब इसका बहुत अच्छा वो टेस्ट होता है, तो मैं यही ट्राई करती हूँ, या फिर रेड वेलवेट केक, ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पर इस पर लिख दिया है हमने मनीषा, मतलब हमने नहीं, भैया ने लिख दिया है मनीषा,
और बाकी जो है डिसाइड हो रहा है कि और साथ में क्या लेंगे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं सेलिब्रेशन के लिए, तो बस घर पे हम लोग ही हैं और भाई को बुलाया है। और यहाँ पे मैडम दे रही है पोज़, तो मैंने बोला था आपकी फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ, तो पोज़ दे रही है। और ये ड्रेस बताइए परी की कैसी लगी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, इंडिगो में है ये। और इसको जो है मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया था। उसके बाद बस हम लोग फटाफट से आ गए, बीच में एक दो जगह और रुके थे, कुछ और चीज़ें और भी ली थी, बट वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैंने यहाँ पे भाई भाभी को बुला लिया, तो बच्चे थे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना पास में ये भैया लगाते हैं अपनी वैन गोलगप्पे की, तो बहुत टेस्टी गोलगप्पे, मैंने मतलब कई जगह खाए बट मुझे इनके गोलगप्पे ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी बड़ी शॉप पे भी खाए हैं बट मुझे वो नहीं अच्छे लगे, जो टेस्ट इनका है ना वो बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, तो बच्चों को मतलब बोल दिया था जिसको जो खाना है वो खा सकता है। और परी एक्चुअली करती क्या है कि परी को ना सिर्फ पानी चाहिए होता गोलगप्पे के अंदर, वो कुछ भी नहीं चाहिए होता उसको, सिर्फ गोलगप्पे के अंदर पानी भर के दे दो, वो उसको पसंद है। और प्लीज़ इग्नोर माई हेल्थ, थोड़ी कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ मैं कर रही हूँ कंट्रोल, देखते हैं क्या होता है। तो बस हम सब लोगों ने एक एक दो दो गोलगप्पा खाया जिसको जो खाना था वो। उसके बाद यहाँ पे स्नैक्स के और भी ऑप्शन हैं, तो जैसे मोमोज है, बर्गर वगैरह है, और पता नहीं मतलब काफ़ी सारे वेरिएशन हैं यहाँ पर, वैरायटीज़ हैं, बट हम जो खाते हैं वो सिर्फ मैं यहाँ पे गोलगप्पा या फिर जो मोमोज़ है वो यहाँ से लेते हैं हम, मतलब इन वाले भैया से नहीं, ये वाले भैया हैं इनसे, इनके मोमोज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो पनीर मोमोज़ हम इनसे खाते हैं। तो बच्चों को बोल दिया था जिसको जो खाना है अपना खाओ, तो बच्चों ने भी मोमोज़ लिए थे, पिज़्ज़ा लिया था और चाउमिन ली थी, तो ये सब लिया था। उसके बाद हम लोग खा पी करके आ गए थे घर पर, और घर पर परी ने बोला था भाई मेरे बर्थडे पर डेकोरेशन होनी चाहिए, तो डेकोरेशन के लिए हम ये थोड़ा बहुत जो सामान है वो लेकर के आए थे, और बस उसी को अब हम अरेंज कर रहे हैं। और बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती, और परी बहुत ज़्यादा क्यूटीफाई लग रही थी। परी हो गई है 5 ईयर्स की, और मैं हो गई हूँ, नहीं मैं अपनी एज नहीं बताऊँगी मैं कितने साल की हो गई हूँ, बट हाँ मेरा और परी का दोनों का एक पल बर्थडे है, मतलब एक ही दिन बर्थडे है। तो बस यहाँ पर जो है डेकोरेशन चल रही है हमारी, और डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद बारी आ गई है अब केक कटिंग की फाइनली। तो बच्चों से रुका नहीं जा रहा है अपना जो है, थोड़ा थोड़ा साइड से अपना टेस्ट किए जा रहे हैं, और बस कुछ नहीं, उन्हें पीछे थोड़ा सा ये लगा दिया था और यहाँ पे वो करके दिखा रही है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, जो है ड्रामे करती रहती हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंडल लग जाए, और फाइनली चलो कैंडल लग गई है, तो बारी आ गई है केक कटिंग की। एंड बस हम लोग ही थे, ज़्यादा कुछ जैसे मैंने बताया हम लोगों ने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। और बारिशों का मौसम चल रहा है, तो कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा, कपड़े मैंने अंदर ही कर दिए थे क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा सा अजीब सा हो रखा था। हम
तो फ्रेंड्स मेरा जो बर्थडे गिफ्ट है वो अभी पेंडिंग था, तो मैंने करवाया था अपने बर्थडे पर जो है हेयर कट, तो मैंने हेड वॉश भी वहीं से करवाया था। तो अच्छे से मैं जो है ऑयलिंग करके चली गई थी और फिर मैंने हेड वॉश करवाया था। ये G3S सेक्टर 11 में एक नया खुला है अभी सलून, तो मैंने वहीं से करवाया था। तो मैं अच्छे खासे पहले दिन अपना जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से जो है ऑयलिंग करके गई थी, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना शैम्पू किया, मसाज किया बालों में, मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिलैक्स लगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे वर्थ है, और कुछ ऐसा भी नहीं था, कुछ ज़्यादा था। आई थिंक अभी इनका ओपन हुआ है तो वही 200 में इनका जो है हेयर कट था, और बहुत अच्छा हेयर कट था। अगर आप चाहते हो, मतलब अगर हेयर कट करवाना है आपको या कोई भी हेयर कोई भी सर्विस लेनी है, तो आप इस वाले G3S वाले में आप जा सकते हो। जो बिट्टू टिक्की वाला है ना, उसके अपोजिट साइड, मतलब उसके सामने ही है ये, यहाँ आपको दिख जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो काफ़ी अच्छा था एंड मुझे काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस लगी। और तो मुझे वही था कि बर्थडे भी है और फिर करवा चौथ भी आ रहे हैं, तो एक दो दिन पहले ही था बस बर्थडे जो है करवा चौथ से, तो फिर मैंने हेयर कट भी ले लिया था और करवा चौथ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो देखिए बहुत अच्छी कटिंग की है, और बाल है ना, मतलब जो लेंथ है वो नहीं गया। मैंने इनको बोला था कि लेंथ नहीं जानी चाहिए, तो जितना मैंने इनको बोला था इन्होंने उतना ही लेंथ मेरा जो है कम किया, और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा था। आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, बर्थडे व्लॉग है। और करवा चौथ का भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, दिवाली का भी, तो वो अभी एक दो दिन में वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, अगले महीने से होपफुली कि सब सही हो जाएगा, तो मैं रेगुलर जो व्लॉग है वो डालूंगी। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि रेगुलर व्लॉग डालो, तो बहुत जल्दी मैं वो सब कर दूंगी शुरू, भगवान ने चाहा तो। और आप लोगों के कमेंट का वेट रह गया, तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय।